dear students, I extend a very warm welcome to all of you in this EVS video class. I'm sure you all are good. You all are happy, healthy and safe in your homes. And along with you, your parents and other family members are also in good health. Do take very good care of yourselves, children, so that you stay happy, you stay healthy. Take all the necessary precautions, follow all the safety rules, follow all the basic hygiene rules and stay safe and healthy. In EVS, we are doing chapter number 14. We are doing revision of chapter number 14, that is plants around us. In this lesson, we have discussed about different parts of a plant, different functions of different parts. Plant ke alag alag parts kaun kaun se hote hain, un parts ka kya kya function hai, uske baad fir humne kya baat kiya tha, uske baad humne fir different types of plants ke bare mein baat kiya. What are the different types of plants? As I told you that plants are divided into different types on the basis of their size. So, on the basis of their size, there are three types of plants, that is herbs, shrubs and trees. Herbs are very small plants like coriander, mint, grasses and there are a lot of other herbs also. Herbs are mainly used to enhance the taste of any dish. They are sprinkled on different food items. Herbs होते हैं, बहुत छोटे plants होते हैं. उनका मेनली काम क्या है, वो हम खाने की चीजों पे उनको स्प्रिंकल करते हैं जिससे उनका टेस्ट और अच्छा होता है. देन श्रब्स, स्मॉल टू मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स. वुडी प्लांट्स का मतलब है कि जिनकी स्टेम जो है वो दैट इज वुड, स्टेम जो होती है वो वुड है. तो स्मॉल टू मीडियम साइज्ड वुडी प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स. श्रब्स आर नॉट एज स्मॉल एज हर्ब्स एंड दे आर नॉट एज बिग एज ट्रीज. श्रब्स जो होते हैं वो प्लांट्स हर्ब्स की तरह छोटे नहीं होते और ट्रीज के जितने बड़े नहीं होते. स्मॉल टू मीडियम साइज प्लांट्स आर नोन एज श्रब्स. फॉर एग्जांपल रोज है, जास्मिन है, हिबिस्कस है, तुलसी है, दीज आर श्रब्स. एंड बिग प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज. जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं. नाउ इन ट्रीज ऑल्सो सम ट्रीज आर वेरी बिग, सम आर नॉट सो बिग, सम ट्रीज आर इवन स्मॉल ऑल्सो. अगर ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कुछ चीजों के पेड़ बहुत बड़े नहीं भी होते हैं, वो स्मॉल ही होते हैं. लाइक लेमन ट्री, इट इज नॉट वेरी बिग, बट बिग प्लांट्स आर नोन एज ट्रीज. लाइक मैंगो, नीम, पीपल, ऑरेंज, एप्पल, दीज आर ऑल ट्रीज. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री टाइप्स, देर आर टू मोर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. दीज आर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स. बोथ दीज हैव वेरी सॉफ्ट स्टेम. इन दोनों प्लांट्स के जो क्लाइंबर्स होते हैं और जो क्रीपर्स होते हैं, दोनों की स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है. सो दे आर नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट ऑन देयर ओन. अपने आप वो स्ट्रेट नहीं खड़े हो सकते. तो क्लाइंबर्स जो होते हैं, एज द वर्ड सेज, क्लाइंब का मतलब है ऊपर चढ़ना. तो क्लाइंबर्स आर द प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट. सीधे खड़े करने के लिए उनको सपोर्ट चाहिए होता है. इट मे बी द सपोर्ट ऑफ एनी स्टिक. कोई स्टिक का सपोर्ट हो सकता है, वॉल का सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट ऑफ एनी अदर ट्री. ठीक है, किसी बड़े ट्री का, बिग ट्री का सपोर्ट हो सकता है. सो क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टैंड और टू गो अप. ऊपर जाने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए किसी चीज का सपोर्ट चाहिए होता है. एंड क्रीपर्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड. जो क्रीपर्स होते हैं वो जमीन पर ही ग्रो करते हैं. ठीक है, वो जमीन पे, जैसे लाइक मेलन है, खरबूजा, वाटरमेलन, तरबूज, ककम्बर, जो खीरा होता है, ककड़ी होता है, दीज प्लांट्स एंड पम्पकिन, दीज प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड. दीज आर क्रीपर्स. एंड क्लाइंबर्स, जैसे जो गुड होता है, लौकी, देन बिटर गुड, जो करेला है, then green peas, these are all climbers. They so grape jo fruit hota hai, grape fruit, then beetle leaf, span. So these are the plants
which need support to stand straight. They cannot stand straight on their own. Okay. So climbers and creepers are two more types of plants. You can see in your book, page number is 86. We are doing chapter number 14, page number 86 pe aap creeper and climber ka ek ek example dekh sakte ho, picture is there. Theek hai? Now the leaves of different plants are also different. सारे जितने प्लांट्स होते हैं सबकी लीव्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट है. देयर शेप इज डिफरेंट, देयर साइज इज डिफरेंट. सम ट्रीज आर वेरी बिग लीव, सम ट्रीज आर वेरी स्मॉल लीव, सम हैव मीडियम साइज लीव. सारे प्लांट्स जो है, सारे ट्रीज जो होते हैं, सबकी लीव्स का साइज भी सेम नहीं है. किसी की लीव्स बड़ी हैं, छोटी हैं, मीडियम साइज की हैं. देयर साइज इज डिफरेंट, देयर शेप इज डिफरेंट. इवन यू विल सी दैट द ग्रीन कलर इज ऑल्सो डिफरेंट. लीव्स आर ग्रीन इन कलर बट ऑल द लीव्स आर नॉट ऑफ सेम ग्रीन. सारे सबका जो ग्रीन है दैट ग्रीन इज ऑल्सो डिफरेंट. सब ग्रीन में भी अलग अलग शेड्स हैं. वी कैन आइडेंटिफाई सम ऑफ द ट्रीज बाय सीइंग देयर लीव्स. कुछ ट्रीज जिनकी लीव्स बहुत कॉमन होती है उसकी लीव्स को हम देख करके ट्रीज को रिकग्नाइज कर सकते हैं. लाइक पीपल. पीपल की लीव कैसे होती है? पीपल की लीव इज समथिंग लाइक दिस. ऐसे करके होती है ना, कुछ ऐसे करके होती है पीपल की लीव. तो पीपल की लीव को हम इजीली पहचान. इट इज नॉट दिस. नीचे से बीच में ऐसे लाइन ऐसे ऐसे होती है ना ग्रीन कलर की. तो पीपल की लीव हम इजीली रिकग्नाइज कर सकते हैं. वी कैन रिकग्नाइज द लीफ ऑफ नीम ऑल्सो. नीम की जो लीव होती है वो छोटी छोटी होती है. देन वी कैन रिकग्नाइज द लीव्स ऑफ बरगद ट्री ऑल्सो. बरगद की जो लीव्स होती है वो भी थोड़ी राउंड शेप में होती है. मैंगो ट्री है. सम ऑफ द लीव्स जो की कॉमन होती है उनको हम उनकी लीव देख करके वी कैन आइडेंटिफाई देम. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. नॉट टूडे वी विल स्टार्ट विथ other uses of plants besides food. We know that whatever we eat, most of the food item we get from plants only. जो भी हम खाते हैं हमको अधिकतर खाने की चीजें कहाँ से मिलती है? हमको प्लांट से मिलती है. चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, दालें, पल्सेज हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, सारी चीजें हमें प्लांट से मिलती है. सो खाने में तो प्लांट का यूज है ही. What are the other uses of plants besides food? खाना छोड़ करके plants का और क्या क्या use है? ठीक है, plants का बहुत सारे use है. ऐसा तो नहीं कि सिर्फ plants जो है वो सिर्फ हमको उनसे खाना ही मिलता है. There are lot of other uses also. So now let us see that what are the other uses of plants besides food. Other uses of plants, or you can say plant products. Now, what else do we get from plants? अपार्ट फ्रॉम फूड और हमें खाने से क्या क्या मिलता है? सॉरी, पेड़ से हमें और क्या क्या मिलता है? सबसे पहला नाम हमें क्या याद आता है? द फर्स्ट नेम दैट कम्स इन टू अवर माइंड. अगर हमसे कोई पूछता है कि वॉट एल्स डू वी गेट फ्रॉम प्लांट्स अपार्ट फ्रॉम फूड, खाने के अलावा हमें फूड से, हमें प्लांट से और क्या क्या चीजें मिलती हैं? सो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन टू अवर माइंड इज वुड. की प्लांट से हमें वुड मिलती है. जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, उनका जो ट्रंक होता है, जो बीच का जो थिक वाला स्टेम होता है, जो उनका ट्रंक होता है, सो वुड इज यूज टू मेक फर्नीचर, टू मेक डोर्स, विंडोज एंड सो मेनी अदर वुडन आइटम्स. बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू आवर माइंड इज वुड. ठीक है, लकड़ी. बट नॉट ऑल ट्रीज कैन प्रोवाइड वुड. ऐसा नहीं है कि हर एक ट्री के हम वुड को जो है फर्नीचर बनाने में या कुछ बनाने के लिए यूज कर सकते हैं.
जो वुड भी जब यूज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए. सो फर्स्ट दैट इज सीजन. ऐसा नहीं कि तुरंत वुड लिया और उससे हमने फटाफट फर्नीचर बना दिया या कोई लकड़ी का कोई प्रोडक्ट बना दिया. वुड को पहले सीजन करते हैं, साल भर तक उसको लेकर के उसको छोड़ देते हैं, फिर उस पर कुछ कुछ मेडिसिन जो वुड पे लगाने वाली, सो दैट उसमें कीड़े ना लगे. पता चला हमने फर्नीचर बनवा दिए और वुड में दीमक लग जाती है, तो दीमक पूरी लकड़ी खा जाती है. तो वुड को सीजन करते हैं, उसको साल भर तक छोड़ देते हैं, उसमें मेडिसिन वगैरह लगा करके पहले उसको पूरा सीजन करके, पूरा जब वुड एकदम कुछ बनाने के लिए एकदम अप्रोप्रिएट हो जाती है, देन इट इज यूज्ड. सो फर्स्ट थिंग दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स इज वुड. ठीक है, अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, वुड, द ट्रंक ऑफ द ट्री गिव्स अस वुड. एंड वुड जो ट्रंक तो थिक होती है लकड़ी के, जो उसको कट करते हैं फिर ट्रंक, उसको लॉग बोलते हैं, LOG लॉग. सो दे आर यूज टू मेक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज एंड अदर वुडन आइटम्स. जो नीम ट्री होता है, जो नीम ट्री की जो पतली पतली ब्रांचेस होती हैं, दोज ब्रांचेस आर यूज टू ब्रश टीथ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दातून बोलते हैं. विलेजेस में अभी भी बहुत सारे लोग हैं, इवन इन सिटीज, जो एल्डरली लोग होते हैं, दे स्टिल बिलीव इन यूजिंग दातून. वो अभी भी टूथब्रश और टूथपेस्ट से ब्रश नहीं करते. जो नीम की जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली स्टेम होती है, उसे इतने बड़े बड़े पीसेस लेकर के उससे ब्रश दांत साफ करते हैं. अ नीम ट्री हैज गॉट लॉट ऑफ मेडिसिनल वैल्यू. देर आर लॉट ऑफ ट्रीज विच हैव गॉट मेडिसिनल वैल्यू. मतलब बहुत सारे ट्रीज ऐसे हैं जिनसे हमको बहुत अलग अलग तरह की मेडिसिन बनती है. जो हम होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन खाते हैं, वो कैसे हर्ब्स है, बहुत तरह की जो हर्ब्स होती हैं, बहुत तरह की लीव्स होती हैं, वो सारी चीजों को यूज करके बनती हैं. जो आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं, वो ऐसे ही बनती हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, लीव्स, किसी कुछ प्लांट्स की स्टेम यूज करते हैं, किसी की वुड यूज करते हैं, किसी की रूट यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स के लीव यूज करते हैं. ये सारी चीजें यूज करके आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है. ठीक है ना. तो बहुत सारे ऐसे ट्रीज हैं, जैसे नीम है, आंवला जो होता है, आंवला जो फ्रूट है, दैट इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी. आंवला जो फ्रूट, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं गूसबेरी, इसे हमें बहुत मिलता है, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी विच इज वेरी गुड फॉर आईज. ठीक है, तो ऐसे इस तरह से करके बहुत सारे ट्रीज हैं. जैसे यूकेलिप्टस ट्री जो होता है, तो यूकेलिप्टस ट्री का यूकेलिप्टस ऑयल होता है, वो कफ एंड कोल्ड में उसको पानी में डाल के लोग स्टीम लेते हैं, दैट इज वेरी इफेक्टिव, बहुत अच्छा होता है. सो इस तरह से बहुत सारे ट्रीज हैं जिससे हमको बहुत तरह की मेडिसिन मिलती हैं. जैसे आप जब पेट में दर्द होता है कई बार, तो मम्मी पुदीना हरा देती हैं, तो पुदीनहरा इज मेड फ्रॉम मिंट, पुदीना. देन तुलसी जी का जो प्लांट होता है, कफ एंड कोल्ड के लिए बहुत अच्छा होता है. एंड तुलसी जी की जो लीव्स होती हैं, एज सच दे आर वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो बहुत लोग उसको ऐसे भी च्यू कर जाते हैं. ओके, सो वुड तो हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं, प्लस जो नीम के पेड़ की जो बिल्कुल सॉफ्ट वाली जो ब्रांचेज होती हैं, दे आर यूज टू क्लीन द टीथ. उसको एज ब्रश की तरह अभी भी विलेजेस वगैरह में लोग अभी भी यूज करते हैं उसको. ओके, देन वी गेट वुड. वुड इज यूज the trunk of trees give us wood and it is used to make furniture, doors, windows, etc. घर में जो आपके खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो सब किस चीज के बने हुए होते हैं? वो सारे लकड़ी के बने हुए हैं. देन वी गेट फ्लावर्स फ्रॉम प्लांट्स, एंड फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पज, फ्लावर्स आर यूज फॉर पूजा, फ्लावर्स आर यूज इन मेकिंग गार्लैंड, फ्लावर्स आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स. कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है,
which have got very nice smell. So they are used in making perfumes also. So we get flowers from plants, and they are used for decoration, puja, making garlands, and making perfumes. Flowers which have very nice smell, like mogra hai, mogra, jasmine, rose, and there are variety of other flowers which have got very nice smell, बहुत अच्छी सी स्मेल जिनकी होती है. सो दोज फ्लावर्स आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स. देन फ्लावर्स डेकोरेशन में हम यूज करते ही है. घर में कोई फंक्शन होता है, फेस्टिवल होता है, तो हम अपने घरों को फ्लावर से डेकोरेट करते हैं. जो मार्केट में माला मिलती है, गार्लैंड जिसको माला बोलते हैं, माला हम लेकर आते हैं, माला से घर को डेकोरेट करते हैं. देन फ्लावर्स ऐसे भी डेकोरेशन के काम आते हैं, नॉट नेसेसरी कि गार्लैंड माला बना के गार्लैंड से ही डेकोरेट करें. ऐसे भी जो हम फ्लावर अरेंजमेंट करते हैं, सो फ्लावर्स आर यूज फॉर डेकोरेशन पर्पस. पूजा होती है तो पूजा में हम भगवान जी को माला पहनाते हैं या फूल चढ़ाते हैं. देन परफ्यूम बनता है उनसे, ठीक है, जो बहुत अच्छे वाले, जिनकी बहुत अच्छी सी स्मेल होती है. दोज फ्लावर्स आर यूज इन मेकिंग परफ्यूम्स ऑल्सो. देन वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन ऑल्सो. Medicines are made from plant, specially जैसे example, for example, neem, tulsi, mint. जैसे neem होती है, neem के plant को मैंने पहले भी class में बताया है. Neem tree is known as village pharmacy. Village pharmacy because जैसे अब तो विलेजेस में भी हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए हैं, पहले जैसे बहुत विलेजेस में जो स्पेशली थोड़े इंटीरियर में होते थे, तो कोई प्रॉपर बहुत अच्छा हॉस्पिटल या नर्सिंग होम वगैरह नहीं होते थे, तो नीम के पेड़ को लोग बहुत सारी बीमारियों में यूज करते थे. जैसे अभी भी करते हैं, नीम की लीव्स का, नीम का सोप मिलता है. तो स्पेशली समर्स में जब कई बार होता है ना, खेलते खेलते बहुत चोट लग जाती है, बहुत फोड़े वगैरह निकलते हैं स्किन पे, स्किन पे रैश हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, तो लोग नीम की लीव्स को पानी में बॉईल करके ठंडा करके उससे नहाते हैं. दैट इज वेरी गुड फॉर स्किन. नीम का ऑयल आता है, नीम का सोप होता है, देन जो नीम की जैसे मैंने बताया ब्रांचेस को दांत साफ करने के लिए यूज करते हैं, या नीम ट्री की जो बार्क होती है, जो ट्रंक होता है उसकी जो ऊपर की छाल होती है, दैट इज नोन एज बार्क. तो कहीं चोट वगैरह लग जाती है, स्पेशली फोड़े फुंसी होते हैं, तो नीम की बार्क को पीस करके वो पेस्ट लगाने से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है. देन पीपल पुट नीम लीव्स इन देयर वुलन क्लॉथ्स. जैसे नीम की जो लीव्स होती है उसको धूप में ड्राई करके उसको जब वुलन क्लॉथ्स अपने जब हम बॉक्सेस में पैक करते हैं तो उसमें डाल देते हैं नीम लीव्स, सो दैट उसमें इंसेक्ट्स कीड़े वगैरह नहीं लगते वुलन में. देन घरों में जैसे लोग चावल है, गेहूं है, ये सारी चीजें जब स्टोर करते हैं तो उसमें भी नीम लीव्स डाल देते हैं, उससे क्या होता है कीड़े नहीं लगते हैं. सो नीम ट्री की बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है. तुलसी जी की पत्ती, जैसे जब खांसी होती है तो मम्मी तुलसी जी की पत्ती बॉईल करके या तुलसी जी का रस देती हैं, दैट इज वेरी गुड फॉर कफ एंड कोल्ड. फिर मिंट है, पुदीना, पेट दर्द होता है हम लोग पुदीन हरा खाते हैं, या तो टैबलेट खा लेते हैं या पुदीन हरा लिक्विड पीते हैं. सो देर आर अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर लॉट ऑफ अदर प्लांट्स ऑल्सो. और जितनी भी आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है दे आर मेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स ओनली. ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो कि हेयर के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं. जैसे आंवला है, आंवला जो फ्रूट है दैट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, दैट इज वेरी गुड फॉर आइज.
और आंवला की जो लीव्स होती है वो हेयर के लिए बहुत अच्छी होती है। आंवले का ऑयल मिलता है ना बालों में लगाने के लिए। तो जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है दे आर ऑल यूज, दे आर मेड यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स आर यूज, देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स, बहुत तरह की पत्तियां हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी चीजें यूज होती हैं अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने में। ठीक है, सो वी गेट मेडिसिन ऑल्सो फ्रॉम प्लांट्स। देन शुगर इज मेड फ्रॉम शुगर के गन्ना होता है, गन्ने से क्या बनता है, जो गन्ने का रस निकलता है उससे क्या बनाते हैं, शुगर केन बना, उससे चीनी बनती है, गन्ने के रस से चीनी बनती है, उससे गुड़ भी बनाते हैं। देन जो टी लीव्स होती है जो हम चाय पीते हैं वो क्या है, चाय पत्ती बोलते हैं ना, सो दे आर लीव्स ऑफ टी प्लांट। टी इज मेड फ्रॉम टी लीव्स, शुगर जो है वो शुगर के मतलब गन्ने से डायरेक्टली बनती है, गन्ने का रस निकालते हैं, गन्ने का रस निकाल करके उससे चीनी बनती है। टी जो होती है वो हमें टी लीव से मिलती है, टी के प्लांट्स होते हैं और टी की लीव्स तोड़ी जाती है। टी की लीव्स तोड़ना बहुत, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क, सारी लीव्स नहीं तोड़ते हैं, ऊपर की बिल्कुल ब्रांचेस के टिप पे लीव्स होती है उन्हीं को बस तोड़ा जाता है। तोड़ तोड़ के देखा होगा पिक्चर वगैरह में कई बार कि जहां पे टीज होती है स्पेशली साउथ में होती है या इधर नॉर्थ ईस्ट में असम साइड में, तो पीछे वुडन बास्केट रहते हैं और तोड़ तोड़ के पीछे उसमें डालते जाते हैं, फिर पूरा प्रोसेस होता है, उसको ड्राई करते हैं, पूरा प्रोसेस है, फिर टी लीव्स बनती है। देन जो हम कॉफी पीते हैं, हॉट कॉफी या कोल्ड कॉफी, कॉफी की बीन्स होती है, ट्री की तो टी की तो लीव्स होती है, कॉफी इज मेड फ्रॉम कॉफी बीन्स, जो कॉफी का प्लांट होता है। टी इज ऑल्सो अ श्रब, जो टी के जो प्लांट्स होते हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, दे आर नॉट वेरी बिग बट दे हैव वेरी स्ट्रांग वुडी स्टेम। ट्री का जो प्लांट होता है उसकी बहुत स्ट्रांग, बहुत थिक, मतलब बहुत थिक तो नहीं बट इट इज वेरी स्ट्रांग वुडन, जो इसकी स्टेम होती है दैट इज वेरी स्ट्रांग, और उसमें से ऐसे ब्रांचेस निकलती है। टी की लीव्स छोटी छोटी ग्रीन लीव्स होती है, एज आई टोल्ड यू ऑल द लीव्स आर नॉट प्लग्ड, बिल्कुल टिप पे छोटी छोटी जो लीव्स होती है सॉफ्ट वाली बस उनको ही तोड़ा जाता है। सो टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब, ठीक है, श्रब का एग्जाम्पल है टी का जो प्लांट होता है। उसके बाद जब टी लीव्स ले लेते हैं उसमें से, बाकी सारी लीव्स जैसे मैंने बताया नहीं लेते, रेस्ट ऑफ द लीव्स आर लेफ्ट लाइक दैट ओनली, तो जो ट्री का पूरा प्लांट होता है उसकी स्टेम और उसमें से ब्रांचेस जो निकलती है दैट इज यूज टू मेक टेबल स्टैंड, उसको यूज करते हैं टेबल स्टैंड बनाने के लिए, बहुत लोग डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज करते हैं, बिकॉज इट इज लाइक जैसे एक उसका स्टेम है एंड देन उसमें से ऐसे 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 करके ब्रांचेस सारी निकलती हैं, तो जो उसकी जो स्टेम वो पूरा नीचे का उसका स्टेम एंड ब्रांचेस रह जाती है, दैट इज यूज टू मेक टेबल स्टैंड। टेबल नीचे उस पर स्टैंड की तरह उसको यूज करते हैं, उसके ऊपर वुड लगा करके या ग्लास लगा करके लोग उसको टेबल की तरह यूज करते हैं। सो टी प्लांट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ श्रब। वी गेट कॉफी ऑल्सो फ्रॉम टी, जो हम कॉफी पीते हैं, कॉफी कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी है, दैट ऑल्सो इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। कॉफी के बीन्स होते हैं, उसके सीड्स होते इतने बड़े बड़े, दे आर नोन एज कॉफी बीन्स। उसको फिर ड्राई करके जो भी उसका प्रोसेस होता होगा उसको ग्राइंड करके पाउडर इज मेड, कॉफी पाउडर इज मेड। ठीक है, कॉफी जैसे जो हमने पढ़ा कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दैट वी ईट, तो सीड्स भी हम खाते हैं, तो कॉफी पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉफी सीड्स, कॉफी बीन्स भी बोलते हैं, कॉफी सीड्स होते हैं वो, सीड्स को ही बीन्स बोलते हैं, उसको फिर ग्राइंड करके कॉफी पाउडर इज मेड। ठीक है, देन क्लॉथ्स विच वी वेयर, जो हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, कॉटन कपड़े, जो कॉटन कपड़े पहनते हैं वो हमें कहां से मिलता है, वो भी तो हमें प्लांट से मिलता है, कॉटन प्लांट जो होता है, सो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट। देन वी गेट सिल्क, सिल्क तो ऑफकोर्स वी गेट फ्रॉम सिल्क वॉर्म, कॉटन, कॉटन का प्लांट होता है, तो कॉटन प्लांट से जो कॉटन निकलता है उसको डी सीड करते हैं, पूरा प्रोसेस के बाद यार्न इज मेड, फिर उस यार्न से कपड़े बनाते हैं। सो कॉटन जो हम पहनते हैं दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स।
फिर ये जो रबर, रबर भी हमें रबर ट्री से मिलता है, रबर का ट्री होता है, ठीक है, रबर का प्लांट भी होता है, उसको हम पॉट्स में भी लगाते हैं एंड उसको अगर हम जमीन पे लगाएंगे तो इट ग्रोज इनटू अ बिग ट्री, अच्छा बड़ा सा ट्री बन जाता है। एंड उसकी जो बीच का स्टेम होती है, उसका जो ट्रंक होता है, दैट इज स्ट्रेट, थोड़ा सीधा जैसा होता है, उसको फिर कट करके उसमें से स्टिकी स्टिकी लिक्विड निकलता है, उसको जब बीच में उसमें कट लगाते हैं, पूरा काट नहीं देते हैं, कट लगाते हैं, उसमें से स्टिकी सा लिक्विड निकलता है, चिपचिपा सा, उसको कलेक्ट करते हैं, फिर उससे पूरा प्रोसेस करके इरेजर जो हम रबर यूज करते हैं मिटाने के लिए, रबर बैंड और भी जो भी रबर के टायर्स वगैरह जो बनते हैं, सो दैट इज दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स ओनली, जो रबर मिलता है हमें। देन जो जूट का प्लांट होता है उससे हमें जूट मिलता है, ठीक है, नारियल का जूट की भी फिर वो थ्रेड बना करके उससे जूट के क्लॉथ कपड़े बनते हैं, जूट के और बहुत सारे आइटम बनते हैं, मैट्स वगैरह बनते हैं। देन जो कोकोनट प्लांट होता है, कोकोनट प्लांट का फ्रूट भी हम खाते हैं, वी ईट कोकोनट, जब वो रॉ रहता है तो उसका हम जो नारियल का पानी पीते हैं, विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ, पक जाता है तो भी हम उसको खाते हैं। देन कोकोनट लीव्स आर ऑल्सो यूज, कोकोनट की जो लीव्स होती है उसको घरों की रूफ बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कोकोनट से उसकी और भी जो कोकोनट जब ड्राई हो जाता है तो उसके ऊपर का जो ब्राउन वाला जो पार्ट होता है, दैट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग रोप, वो रोप बनाने के काम आता है, बहुत जगह घरों में लोग उससे बर्तन साफ करते हैं। देन ट्रीज गिव अस सो मच ऑफ शेड, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उससे हमें कितनी शेड मिलती है, कितनी छाया मिलती है, उस शेड में पीपल रेस्ट अंडर द शेड ऑफ ट्रीज, ट्रीज आर होम टू सो मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, से कितने सारे बर्ड्स उसमें अपना नेस्ट बनाते हैं, फिर ट्री के जो ट्रंक पे कई बार होल होता है तो उसमें स्क्विरल है, स्नेक है, ये सारे एनिमल्स कई बार रहते हैं, एनिमल्स भी गर्मियों में काव है, बफेलो है, गोट है, ट्री के नीचे लोग बांध देते हैं या ट्री के नीचे दे ऑल्सो सिट इन द शेड, सो ट्री इज होम टू सो मेनी एनिमल्स, ट्रीज गिव अस शेड, ठीक है। समर्स में देखा होगा लोग पेड़ के नीचे बैठते हैं धूप में, शाम को बैठते हैं आराम से बाहर निकल करके, तो ट्री गिव्स अस शेड ऑल्सो, सो वी गेट अपार्ट फ्रॉम डिफरेंट फूड आइटम्स, वी गेट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम ट्रीज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच ट्रीज गिव अस, जो हमको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिलती है ट्रीज से, वो क्या है, दैट इज ऑक्सीजन, विच वी नीड टू सर्वाइव, हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सांस हम लेते हैं, वेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं तो वी इनहेल ऑक्सीजन गैस, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रीज जो होते हैं, ट्रीज की जो लीव्स होती हैं, दे एब्जॉर्ब दिस कार्बन डाइऑक्साइड, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके दे एक्सहेल ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ, ठीक है, तो दे प्यूरिफाई द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, पॉइजनस होती है, तो अगर पोल्यूशन क्यों होता है, पोल्यूशन जैसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वाई, बिकॉज एटमोसफियर में बहुत सारी ऐसी गैसेज है विच आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए जो कि हार्मफुल है, एटमोसफियर में बहुत सारी ऐसी गैसेज है, तो ट्रीज जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस एक्सहेल करते हैं, सो क्या करते हैं, दे आर प्यूरिफाइंग द एयर, वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, एयर को साफ करते हैं। एंड जो बैनियन ट्री है, बरगद का ट्री होता है, उसकी जो लीव्स होती हैं, उनकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, सो दे गिव अस ऑक्सीजन विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें खाने को बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई, रहने के लिए बहुत अच्छा घर है, पहनने के लिए बहुत सारे कपड़े हैं, बट इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, सांसी अगर नहीं ले पा रहा है तो वो तो जिंदा ही नहीं रहेगा, तो फिर क्या फायदा, सो प्लीज गिव अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सीजन, ठीक है, सो प्लांट्स गिव अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज ऑक्सीजन विच वी नीड टू लिव, सो चिल्ड्रेन वी कैन सी दैट बिसाइड्स फूड आइटम, मतलब फूड आइटम के अलावा प्लांट्स हमें और कितनी तरह की चीजें देते हैं, एंड प्लांट्स आर सो हेल्पफुल टू अस, एक तो प्लांट्स, जितने ज्यादा प्लांट्स होते हैं पोल्यूशन कम होता है, पोल्यूशन कम होता है, जैसा मैंने अभी बताया कि दे अब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड,
और वो हमें फिर उतना ऑक्सीजन मिलता है एंड प्लांट्स रहते हैं तो ग्रीनरी रहती है, इट लुक्स गुड, अच्छा लगता है हमें देख करके, आंखों को देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। सो इन दिस मैनर बिसाइड फूड प्लांट्स गिव अस सो मेनी अदर थिंग्स विच वी रिक्वायर। ओके सो चिल्ड्रन वी हैव डन दिस टॉपिक, वी हैव कम्प्लीटेड दिस टॉपिक की अदर यूजेज ऑफ प्लांट्स बिसाइड फूड। ओके सो आवर चैप्टर इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, सो टूडे आई विल स्टॉप हेयर ओनली। In the next lesson, in the next class, sorry, we will revise the chapter once and then we will start with the exercises. So that is all for today, children. Thank you so much and goodbye.